इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डबल रोल ट्रिपल रोल फोटोग्राफी। ये वीडियो होने वाली है मोबाइल फोटोग्राफी ट्रिप एंड ट्रिक्स, कुछ इस तरह फोटो क्लिक करने वाले हैं और क्लिक कैसे करते हैं और फिर एडिटिंग कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ डीजे गेमिंग यूट्यूब, सेकंड आफ्ताब 007, थर्ड राठौड़ गणपत, फोर्थ दीवान नकीब एंड फाइव रॉक FF। थैंक यू सो मच योर सपोर्ट। ऐसे ही अच्छे कॉमेंट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। डबल रोल फोटोग्राफी के लिए आपको ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, डबल रोल जब हमने फोटोग्राफी वाली वीडियो डाली थी उस वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो पूरी हो जाने के बाद वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि जिसके पास ट्राइपॉड नहीं है वो देसी जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो ट्राइपॉड की बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। करीब 250-300 रुपये का आता है ट्राइपॉड। तो अब हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ले लेना है और आपको इस तरह ट्राइपॉड पे या आप अपने देसी जुगाड़ जैसे भी किया हो आप अपने देसी जुगाड़ पे इस तरह मोबाइल रख दें। उसके बाद कैमरा ऑन कर लें। कैमरा ऑन करने के बाद आपको फ्रेम बिल्कुल सेट कर लेनी है और उस तरह मोबाइल रख देना है। फिर आपको बिल्कुल भी मोबाइल हिलाना नहीं है और आपको अपने एक दोस्त की हेल्प लेनी होगी। मैंने मेरे फ्रेंड की हेल्प ली थी, साबिर आप जानते होंगे, जो हमने रिक्शा वाली वीडियो डाली थी उसमें साबिर था वही है। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी रिक्शा पे फोटोशूट, तो वो उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी मत देखना उस वीडियो को, ये वीडियो पूरी हो जाने के बाद आप देख लेना। आप जैसे आपके घर के अंदर सोफा हो या आपके पास कोई भी चेयर हो ऐसी, या आप कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे आप डबल रोल फोटोशूट करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह जैसे मैं फ्रेम में हूँ इस तरह आपको जगह चेंज कर लेनी है। स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको पहला फ़ोटो क्लिक कर लेना है सेंटर में रह के, जैसे मैंने इस वाले पे किया है। तो उसके बाद मैंने साइड पे मैं बैठ गया हूँ बुक लेके, तो आपको वैसे ही क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा पोज दिया है मैंने मोबाइल से, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह अलग आइडिया आपके दिमाग में जो भी आइडिया हो वो आप यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी फोटोग्राफी क्रिएटिव बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने नीचे बैठ गया था चौथे फोटो में, तो मैंने चारों फ़ोटो क्लिक कर लिए और उस वो फ़ोटो बिल्कुल सेम फ्रेम से मैंने क्लिक किए। कैमरा बिल्कुल नहीं हिला है, कैमरे को मैंने आगे पीछे भी नहीं किया है और मोबाइल को उसी सेंटर जगह पे ही रख दिया है जैसे मैंने पहला फ़ोटो क्लिक किया था उसी जगह पर मोबाइल मैंने रख दिया था और मैंने सारे फ़ोटो क्लिक कर लिए। अब आपको इसको एडिट कैसे करना है, तो अब मैं आपको एडिटिंग प्रोसेस में लेके चलता हूँ। इस वीडियो में एडिटिंग ट्यूटोरियल में हम यूज़ करने वाले पीकार्ड्स मोबाइल ऐप, तो पीकार्ड्स पे जाऊँगा मैं। अब जब भी पीकार्ड्स ऐप ओपन करें तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि मेक श्योर आपकी फुल HD में फ़ोटो सेव हो। तो आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद तीन एरो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे मैक्सिमम इमेज साइज है आपको वहाँ पे, या आपके 8 मेगापिक्सल होगा तो 8 मेगापिक्सल, और लास्ट जितना ज़्यादा हो उतना आपको कर देना है। सर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल रखें और उसके बाद आप बैक जाएँ और प्लस पे क्लिक करें। प्लस पे क्लिक करने के बाद एडिट में जाएँ और यहाँ से आपको, मैंने पहले से एडिट किया हुआ है और मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दिया है ये सारे फोटो, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा, तो आपको जैसे ही आ जाएगा तो आपको यहाँ से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको जाना है ऐड फ़ोटोज़ पे। तो मैं ऐड फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा सेकंड जो बुक वाला फ़ोटो था, तो यहाँ से मैं बुक वाले फ़ोटो पे क्लिक करूँगा ये वाला। तो आपको ध्यान से आपको इसको इस तरह बड़ा करना है और यहाँ से ऑपोसिटी है उसको मैं माइनस करूँगा क्योंकि मैं देख लूँ आपको बिल्कुल फिट, जैसे आपके प्रोफाइल फिट हो वैसे आपको कर लेना है। जैसे अभी मेरे यहाँ से भी अभी थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं फिर से मैं इतना रखूँगा और उसको 100 कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रश पे जाऊँगा मैं, ब्रश पे जाने के बाद इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेस्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको इस तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको करना होगा बुक, यहाँ पे फिर आपको इरेजर पे क्लिक करना है, ये फ़ोटो को जैसा था वैसा कर लेना है तो ये डुप्लीकेट ना लगे। फिर रेस्टोर और इसको रेस्टोर करना है इस तरह, बिल्कुल आपको ध्यान से करना है आराम से, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पे इरेज कर दूंगा मैं।
आपको बिल्कुल ध्यान से करना होगा, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से करना होगा। यहाँ से आपको इस तरह तो अब मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा। अरे सॉरी इरेज, अरे यार ये ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से आपको करना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, जैसे कि मैं पीछे ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं इसको कर लूँगा सेव यहाँ से। तो ये हो चुका है, अब हम तीसरा फ़ोटो लेंगे। तो हमें जाना है ऐड फोटोज़, फिर से आपको फ़ोटो लेना है आपने जो क्लिक किया हो वो। अगर आपने डबल फ़ोटो शूट किया है तो आपको इस तरह कर लेना है ऐड, और आपका फ़ोटो हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। तो मैं यहाँ से फिर से मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास दो तीन फ़ोटो थे। तो मैं अब इसको करूँगा, ये फ़ोटो लूँगा मैं और इसको ऐड करूँगा। इसकी ओपेसिटी मैं कम कर दूंगा 50, फिर इसको जूम करूंगा, इसको जूम करूंगा मैं इस तरह। तो ये परफेक्टली हो चुका है, तो मैं इसको इस तरह फुल कर लूंगा ओपेसिटी, और यहाँ से इन्वर्ट, फिर रेस्टोर पर क्लिक करूंगा। पहले मैं नीचे से ऐसे करता जाऊंगा, फिर जो आगे वाला पार्ट आएगा वो आगे आ जाएगा। तो इसको इस तरह फेस पे कर लेना है, उसको आप फिर से आपको, ये हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से इस फोटो तो कंप्लीट हो चुका है, अब इरेजर पे क्लिक करेंगे। सॉरी रेस्टोर यहाँ पे करना पड़ेगा हमें ध्यान से, फिर इरेजर पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से करना है, क्योंकि ये आगे था, तो इसको आपको ध्यान से कर लेना है इस तरह इरेज, और फिर यहाँ पे इरेजर पे, और बैठा हुआ था वो फिर से बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। फिर मैं इसको करूँगा और इसको, ये ओरिजिनल लगे तो मैं इस तरह हेयर लूँगा थोड़े। बिल्कुल देखो यहाँ से रॉन्ग क्लिक हो गई, तो मैं रेस्टोर कर दूँगा इस तरह, फिर यहाँ से इरेज, और इसको इस तरह इरेज कर लूँगा। तो ये हो चुका है, ये भी कम्प्लीटली परफेक्टली हो चुका है। तो मैं इसको भी कर दूँगा सेव इस तरह। और चौथा फ़ोटो तो वो एकदम बिल्कुल जो क्लिक किया था चौथा फ़ोटो, वो तो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगा। ये रहा मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसकी ओपेसिटी कम करूँगा मैं और इसको इस तरह ज़ूम करूँगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 100 इरेजर इन्वर्ट, और इसको रिस्टोर कर लूँगा मैं। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होने वाला है। तो ये हो गया, ये आसान था, क्योंकि ये मैं ज़्यादा दूर बैठा था। अगर आप ज़्यादा दूर बैठ के क्लिक करोगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी हो जाएगा आपका। तो मैं इसको सेव कर लूँगा, और आपको यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है वहाँ से सेव बिल्कुल नहीं करना है, और इस एरो से भी बिल्कुल सेव नहीं करना है। कैसे सेव करना है आपको, तो जाना है आपको ड्रॉ में, और यहाँ पे तीन एरो दिख रहा है ऊपर आपको अपर साइड पे, तो यहाँ पे तीन एरो पे क्लिक करना है, और सेव इमेज दिख रहा है आपको, सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। तो ये फ़ोटो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद इसको कलर ग्रेड कर सकते हैं लाइट रूम मोबाइल ऐप में। तो लाइट रूम मोबाइल ऐप में कलर ग्रेड कैसे करते हैं फोटो, यानी कि फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं, तो उस वीडियो के लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ ऊपर आ रहा होगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट दे दूंगा पूरी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और आप फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और एक अच्छी कॉमेंट भी कर देना, मैं अगली वीडियो में शार्ट आउट दूंगा कॉमेंट का। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप इन दो वीडियो में से कोई एक वीडियो देख सकते हैं। गुड बाय।